पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है। पेनी स्टॉक्स की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। यूजुअली जिन शेयर्स की प्राइस 20-25 रुपए से कम होती है उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि अगर मैं कोई 1000 रुपीज़ वाला स्टॉक खरीद लूँ तो 50000 रुपीज़ में सिर्फ 50 ही शेयर्स आएंगे। वही अगर मैं 4-5 रुपए वाला कोई पेनी स्टॉक खरीद लेता हूँ तो मुझे 50000 रुपीज़ में 10-12 हज़ार शेयर्स मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर 4-5 रुपए का स्टॉक 7-8 रुपए तक भी चला जाए तो बड़ी आसानी से और जल्दी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन ये सोच गलत है क्योंकि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स घटिया होते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा या बड़ी प्राइस वाले स्टॉक्स ही अच्छे होते हैं। नहीं, कोई स्टॉक अच्छा है या नहीं ये तो उस कंपनी पर और उस कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड होता है, पर सिर्फ शेयर की प्राइस देखकर या प्राइस के आधार पर किसी शेयर को बाय करना गलत बात है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा शेयर की प्राइस उतनी बड़ी कंपनी, और शेयर की प्राइस जितनी कम कंपनी उतनी छोटी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। MRF का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। MRF कंपनी का टायर्स का कारोबार है। MRF के एक शेयर की प्राइस आज 6 जनवरी 2017 को 51,300 रुपीज़ है। वही ICICI बैंक के एक शेयर की प्राइस आज 258 रुपीज़ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बड़ी है? अगर आपका जवाब MRF है तो आप गलत हो। देखो, कंपनी के शेयर प्राइस का कंपनी के साइज के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। कंपनी की साइज़ आपको कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलती है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। MRF के एक शेयर की प्राइस है 51,300 रुपीज़ और MRF के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 42,40,000। सो प्राइस ऑफ वन शेयर दैट इज 51,300 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 42,40,000 इज इक्वल टू 21,751.2 करोर। देयरफॉर MRF का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 21,751.2 करोर। नाउ अब ICICI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। ICICI बैंक के एक शेयर की प्राइस है 258 रुपीज़ और ICICI बैंक के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 582,07,40,000। सो 258 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दैट इज 582,07,40,000 इज इक्वल टू 1,50,175 करोर। हैंस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ICICI बैंक इज 1,50,175 करोर। सो MRF के शेयर की प्राइस ICICI बैंक के शेयर से कई गुना ज़्यादा है। फिर भी ICICI बैंक साइज में MRF कंपनी से ऑलमोस्ट 7 गुना बड़ी है। इसीलिए आपको शेयर की प्राइस से ज़्यादा ध्यान कंपनी के प्रोडक्ट्स, फंडामेंटल्स और साइज पर देना चाहिए। जब पेनी स्टॉक की बात आती है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है तो वो क्यों है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, फंडामेंटल्स और प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी होगी। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर आपको उनके शेयर्स बेचने हैं तो बड़ी मुश्किल से आपको बायर्स मिलते हैं। पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग करते वक्त भी आपको हमेशा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम का बहुत महत्व है, और अगर लिक्विडिटी की वजह से आपकी टाइमिंग गलत हो गई तो आपका पूरा ट्रेड खराब हो सकता है। इसीलिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते वक्त आपको शेयर्स की लिक्विडिटी पर भी ध्यान देना होगा। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन कंपनी, जो कि अभी ज्वेलरी का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके शेयर्स साल 2002-2003 में 4,500 रुपये के एवरेज प्राइस पर खरीदे थे। आज टाइटन कंपनी के शेयर की प्राइस 350-400 के करीब है। मतलब उनकी इस इन्वेस्टमेंट ने उन्हें ऑलमोस्ट 8,000% रिटर्न दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर निकलेंगे। पेनी स्टॉक में अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक ढूंढना मतलब कोयले की खान में हीरा ढूंढने जैसा है, और अगर आपने गलती से भी हीरे की जगह कोयला उठा लिया तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट कोयले के भाव जा सकती है। और इसीलिए कोई अच्छा पेनी स्टॉक ढूंढने के लिए आपको दूसरे शेयर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, और साथ ही डीप रिसर्च और मॉनिटरिंग करनी होगी। बहुत सारी पेनी स्टॉक कंपनीज बहुत ही छोटी कंपनीज होती है जिसकी वजह से उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए उनका एनालिसिस करना एक मुश्किल काम होता है।
पेनी स्टॉक्स की प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी कम होने के कारण इन स्टॉक्स में इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि पंप एंड डंप स्कीम चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है और इससे आपको कैसे सतर्क रहना है, ये मैं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर कॉमन स्कैम्स इन द स्टॉक मार्केट में बताऊंगा। एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत कम पेनी स्टॉक्स के पास अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है, वही ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स तो ऐसे हैं जहाँ पर इन्वेस्ट करके आपकी इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो सकती है। इसीलिए जब तक आपको स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस नहीं आ जाता तब तक आप पेनी स्टॉक से दूर ही रहो तो अच्छा है, पॉसिबल है तो हमेशा के लिए ही दूर रहो। और अगर आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट करो। और एक बात, उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए जो आपको कहते कि हर कंपनी शुरुआत में या कभी ना कभी पेनी स्टॉक होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के शेयर की प्राइस उसके आईपीओ प्राइस बैंड और परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है।